डियर आईसीएसई एंड आईएएस स्टूडेंट, 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, आपके रिजल्ट सेमेस्टर वन ऑलरेडी डिलेड है और इसमें और डिले होने की पूरी पूरी संभावना है। इसके पीछे कई फैक्ट सामने आए हैं जो आईसीएसई अफिलियेटेड स्कूलों ने अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीआईएसई काउंसिल को भेजी है, उसमें कई बातें कही गई है। स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जिस तरह से रिजल्ट चेकिंग का काम सीआईएसई अफिलियेटेड स्कूलों को लगा दिया गया है कि उसके रॉ डाटा को चेक करते हुए 15 जनवरी 2022 तक भेज दिया जाए आईसीएसई काउंसिल को, यह संभव नहीं है। इसके पीछे आईसीएसई अफिलियेटेड स्कूलों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस समय वर्कलोड बहुत ज्यादा है। पहला तो सारे स्कूल देश भर में सभी जगह बंद है, दूसरी की ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और क्लास 9th और क्लास 11th, आई रिपीट क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट के साथ क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट के सिलेबस को कंप्लीट करना और उसके बाद उन्हें रिटेन मोड यानी सब्जेक्टिव मोड में तैयारी करवाना एज वेल एज ऑब्जेक्टिव मोड की भी बातें बताना, उन्हीं के हिसाब से उन्हें स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करना, एक टफ जॉब है जिसमें कि अधिकतर टीचर ऑनलाइन वे में इंगेज है। और सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी के मार्केट में जितने भी बुक अवेलेबल है उनमें शॉर्ट आंसर, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर चैप्टर के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन बैंक को सवाल गुरुकुल ने अपने इस बुक में दिया है, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं, इससे इस चैनल को काफी मदद मिल जाएगी। सेकेंड कि जिन स्कूलों को छूट मिली हुई है स्टेट गवर्नमेंट या लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में उलझे हुए हैं, इसलिए इन रिजल्ट को इस समय नहीं किया जा सकता क्योंकि क्लास 10th एंड क्लास 12th के प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के लिए भी स्कूलों में स्टूडेंट को जहां पर ऑर्डर है बुला कर करवाए जा रहे हैं। थर्ड और इम्पोर्टेंट बात बताइए कि कई सारे आईसीएसई अफिलियेटेड स्कूलों में सेंटर बना के वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर एडल्ट चलाए जा रहे हैं और यह 15 से 16 ईयर से लेकर 18 ईयर तक के सभी स्टूडेंट उनको दिया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यह एक डिफिकल्ट जॉब होगा कि यह रॉ डेटा को असेस करते हुए जो स्कूलों में मौजूद डिटेल्स है उस हिसाब से मैच किया जाए और सीआईएसई को एक बार फिर से वो डेटा भेज दी जाए। इसमें नियरली 10 से 15% स्कूल ने ही सीआईएसई की बात, जो कि ऑर्डर के को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था कि रिजल्ट एट योर स्कूल, उसके रिपोर्ट में यह बताया है कि इस समय वर्क ऑन द स्ट्राइक है और कई जगह तो स्कूल ही नहीं खुले हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, फिर आपके पास न्यू दिल्ली में वर्क यस और नो के कंडीशन में है, वेस्ट बंगाल में तो स्कूलों को लिमिटेड खोला जा रहा है यदि एग्जामिनेशन हो तो, टीचर को स्कूलों में कंटिन्यूअस बुलाना और उन्हें पूरी तरह से वर्क प्रोसेस में लगाना एक डिफिकल्ट वर्क है। मध्य प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना से जो रिपोर्ट मिले हैं उसमें बताए जाते हैं कि सीआईएसई अफिलियेटेड स्कूल के टीचर स्कूल ही नहीं आना चाहते हैं और इसके अगेंस्ट में उन्होंने सीधे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल मैनेजमेंट को कह दिया है कि जब तक ओमिक्रॉन का सिचुएशन डाउन नहीं हो जाता है वे अभी स्कूल से बजाय घर ही पर पढ़ाना पसंद करेंगे और घर ही से एग्जामिनेशन होगा। इस बीच बताया यह जा रहा है कि क्लास 9th और क्लास 11th के एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में डालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। देश भर में यदि कंटिन्यू यह सिचुएशन एक महीने तक बने रहते हैं उस कंडीशन में 15 फरवरी 2022 के बाद यह सर्कुलर आ जाएगा कि क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट के एग्जामिनेशन को ऑनलाइन ही कंडक्ट कर लिया जाए। इसलिए आईसीएसई एंड आईएएस 2022 के सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन के रिजल्ट पॉसिबली नहीं ग्रेटर पॉसिबिलिटी है कि डिलेड हो जाए, जो कि अभी की बातें काफी एक्सक्लूसिव मुझे पता चली और मैंने आपको सबसे पहले खबर किया है। तो इस बात को, इस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करने, वीडियो को थम्स अप करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं इसी तरह की एक्सक्लूसिव इनसाइड आउट इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट टू द पॉइंट देता रहता हूं।